स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं पर अभी हम रेवाड़ी के अंदर रह रहे हैं। हमारा स्टेट है हरियाणा। मेरी हॉबीज़ है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मुझे पढ़ाई के अंदर जैसे नई नई चीज़ें समझना और ये सब, और म्यूज़िक में और सिंगिंग में मुझे इंटरेस्ट है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होके इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर काम करूँ और मैं अपने स्कूल के अंदर अपनी टीम के अंदर एक राइट हैंडेड बैट्समैन भी हूँ क्रिकेट में और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर भी। हमारे स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे आर्ट आर्ट क्राफ्ट की हुई, पोएम रेजिटेशन हुई, तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुझे सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और जैसे हमारे स्कूल की स्टडीज़ होती हैं तो मैंने अभी तक 7 करी हैं, तो मुझे अभी तक उसमें 6 मुझे 5 स्कॉलर बैचेस मिल चुके हैं पढ़ाई के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुरगोड़ है, मैं दिव्यांश का फादर हूँ। दिव्यांश की वजह से पहली बार मुझे कभी किसी टीवी सीरियल्स में आने का मौका मिल रहा है। उसने वो काफ़ी फोकसफुल बच्चा है, शुरू से ही जब से छोटेपन से, जब वो चाहे पढ़ाई में इंटरेस्ट ला हो, उसका गेम्स में इंटरेस्ट ला हो, सब में उसका फोकस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कुछ टाइम से अभी उसका फोकस दूसरी एक्टिविटीज़ में, जैसे यंग जनरेशन बच्चों में होता है, म्यूज़िक और अदर एक्टिविटीज़ में भी हुआ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो, पहले हमें ये लगता था कि वो सिर्फ एजुकेशन में रहेगा, लेकिन अब वो जब वो मल्टी टैलेंटेड बच्चा बन रहा है तो बड़ी खुशी होती है। और जब हमने इस KKSG के बारे में सुना तो हमने उसको पार्टिसिपेट कराने का इंटरेस्ट दिखाया। अभी तक से उसने स्कूल लेवल पर और डिफरेंट लेवल पर पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी उसने बहुत, अगर वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर वो थोड़ा भी, उसको लगता है कि मैं एफर्ट कम कर रहा हूँ तो वो मायूस हो जाता है या इमोशनल हो जाता है। तो हमें यही लगा कि अगर हम उसे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे तो वो और अच्छा एफर्ट कर सकता है। तो हमें KKSG मिला जो लॉकडाउन ड्यूरेशन में बच्चों को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा था, तो हमने उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट कराया। शुरू में वो थोड़ा हेजिटेट हुआ लेकिन जब उसने वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का कंफर्ट लेवल देखा, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली वहाँ जवाब भी दिया, परफॉर्म भी किया और उसको बड़ी खुशी भी हुई कि मैंने पहली बार स्कूल लेवल से बाहर निकल के एक अच्छे TV लेवल पर जाके परफॉर्म किया। दिव्यांश की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इमोशनल बहुत है। वो अपनी फैमिली को लेके, अपने फैशन को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत इमोशनल है। इवन अगर मैं भी अगर किसी एक दिन दो दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ या किसी काम से कहीं चला जाता हूँ तो वो इतना ज़्यादा मुझे मिस करता है, तो मुझे बड़ा फील होता है कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन यही उसकी पावर भी है कि वो उसी इमोशनल लेवल पे जाके उस काम को बहुत पैशन तरीके से करता है, चाहे उसकी स्टडी हो, चाहे गेम्स हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि KKSD की इस प्लेटफॉर्म से वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने स्कूल के लिए नाम रोशन करे। और KKSD के प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने हमें एक अच्छा वो दिया ताकि बच्चे इम्प्रूव कर सकें।
पहले ये था कि हम अपने नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन हमारे लिए सबसे भी खुशी की बात तब होती है जब हम अपने बच्चों के नाम से पहचाने जाएं। अभी जैसे इस एक्टिविटी के थ्रू ये होता है कि अगर जैसे हमारी सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी ये चर्चा फैली, लोगों ने सुना तो सब जब भी मुझे देखते हैं तो बोले, कहते हैं दिव्यांश के फादर हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि उसने एक अच्छा एफर्ट किया जिसकी वजह से मेरा नाम और हमारी फैमिली का नाम वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो मैं बहुत दिली खुशी है इस बात की कि मैं दिव्यांश का फादर हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम विनीता है, दिव्यांश कुलकर्णी की मदर। दिव्यांश का नाम हमने बचपन में अभी रखा था क्योंकि हमारे घर का सूरज है। जैसे सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, उस तरह आशा सभी माँ बाप करते हैं कि हमारा बच्चा भी रोशनी फैलाए, और इसी आशा से मैंने अपने बेटे का नाम अभी रखा और सोचा कि ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा और आगे चलेगा। ऐसा ही जब इसको हाथ में लिया, छोटा सा नन्ना सा बेबी, तभी ये मन में विचार आया कि मतलब इसको देखते हुए, इसकी हाव भाव देखते हुए, कि ज़रूर एक प्रगतिशील बच्चा है और अपना नाम रोशन कर सकता है। तो उस होप से आगे हमने कोशिश करती रही। जैसे जैसे बड़ा होता गया, छोटी छोटी उम्र में ही इसने बुक्स को पकड़ना हाथ में सीख लिया। साल भर के एज में ही इसको बुक में रुचि आने लगी और ये पढ़ने के लिए अपनी बुक्स हमारी बुक्स छीनने लगा, क्योंकि हम लोग भी उस टाइम स्टडीज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही ये मतलब शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है और हमेशा इसने हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि ये ड्रॉबैक था मेरा कि मैं कभी इस चीज़ पर नहीं पार्टिसिपेट कर पाई और इस हेजिटेशन से, लेकिन शुरू से ही दिव्यांश ने स्टेज पर पार्टिसिपेशन किया और हमारी जो कमियां थी उसको उभारते हुए उसने आगे और उसको ढकते हुए मतलब उसने आगे अपना नाम रोशन किया है। आज वो म्यूज़िक में हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और उसको सिंगिंग का बहुत शौक है। जब वो बीच में देखने लगा कि उसकी फिंगर्स चलती है, तो हमने उसको पियानो ला के दिया जिस पर वो उसने प्रैक्टिस करना शुरू करी और उसकी फिंगर्स की रफ्तार बहुत अच्छी होती गई एक छोटी सी उम्र में ही, और उसने म्यूज़िक करना सीखा है। और ऐसे ही वो फिर हमने उसको ट्रेनिंग दिलाई और जब ये बड़ा हो गया, हमने देखा कि अब ये थोड़ा सा सीखने लगा या गाने लगा है, तो उसी दौरान मुझे लॉकडाउन में पता लगने लगा कि KKSD का माध्यम मुझे मिला और मैंने चाहा कि मैं अपने बेटे को फर्स्ट प्लेटफॉर्म दूं। तो पहला प्लेटफॉर्म मेरे को KKSD से मिला और मेरा बेटा उसमें इतनी प्रगति करने लगा कि उसने हर जो भी क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल राउंड के लिए करे, आज फाइनल तक आ गया है। जब हम छोटे होते थे तो हमें इस तरीके के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे और अप्रोच नहीं कर पाते थे हम लोग। जो बच्चे ज़्यादा कहते हैं, जो बच्चे अंदर ज़्यादा पब्लिकली होते हैं, उन्हीं को ही मिलता था। लेकिन आज के मंच में KKSD के माध्यम से गांव-गांव, छोटे शहर का बच्चा, छोटे घर का बच्चा जिनके अर्निंग ज़्यादा नहीं है, उनको भी ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलते रहें। बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से ये बच्चों की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं दिव्यांश का फादर आनंद, तो आज उनको एक लेटर मिला है जिसके थ्रू वो शॉर्ट फिल्म सीरीज़, वेब सीरीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके थ्रू वो आगे भी इस फील्ड के अंदर तरक्की कर सकते हैं, जिससे हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि वो इसके थ्रू अपना, हमारी फैमिली का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तो ये उसका लेटर है जिसके थ्रू वो वेब सीरीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी यही दिल तमन्ना है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आगे बहुत तरक्की करे। ऑल द बेस्ट, जीत के, थैंक यू। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये हमारा
डेवलप होता है और अच्छी तरह से काम करके जीत के आ जाए, यही हमारा आशीर्वाद है। तीसरा फाइनल राउंड है, अब हो जाएगा मेरे ये मेडल जीत के आ जाए। शाह जी नमस्कार, बड़ी बात है। अभी जो कुलगौड़ है ना, इस ये बचपन से ही बहुत सोना बच्चा था, वो सुंदर, सभी का प्यारा, और ये हमारे घर ही पहले सबसे पहले ही इसका यही था कि भाई हमारे घर ही आएगा, लेकिन कुदरती भगवान ने जो चाहा, लेकिन बहुत सुंदर और गाने में अपना सारा जैसे ईश्वर से मिलाना मिलान होता है। जब ये संगीत और इसके मैंने संगीत भी सुने और गाने भी सुने, ऐसा लगता है कि किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ ईश्वर से मिलता है। मैं इसकी इतनी तारीफ करता हूँ कि जब भी संगीत में बजाता है और जो गाता है एकत्रित तो बजाता है, सिर्फ ऐसा लगता है ये सिर्फ परमेश्वर से जोड़ रहा है अपने आप को, न कि हमारे संगीत भी सुना रहा है बल्कि परमेश्वर भी सुना रहा है। अच्छा गाता है, अच्छा सुनते हैं और समझने की कोशिश करता है। इसका बोल भी बहुत स्पष्ट है, हर शब्द को स्पष्ट समझता है। तो हम समझते हैं कि भाई स्पष्ट बहुत बढ़िया, अच्छा गाए और अपना गायन में अपना नाम कमाए, सबका नाम रोशन करें, सबका नाम रोशन करें। दिव्यांश कुलकर्णी मेरी प्रिय ब्रदर है, और जब कभी भी मैं कभी डांस करती हूँ तो ये भी मेरे उसमें केसी बजाने लग जाते हैं, तो और मुझे भी गुस्सा आता है, तो ये भी परेशान हो जाते हैं और मैं भी परेशान रहती हूँ। तो मेरे भैया की आवाज़ है वो बहुत अच्छी है और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया एक मेरे लिए गाना गाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हम चाहते हैं बहुत आगे जाए, बोल दो बेस्ट आगे। Thank you.
से सुनीता चोपड़ा, प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल रिवाड़ी. दिव्यांश कुलगौर इज अ स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल एंड ही हैज बीन स्टार्टिंग सिंस नर्सरी क्लास इन आर स्कूल. ही हैज बीन शोइंग एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज. ही हैज पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इवेंट्स इन द स्कूल. इन द एनुअल फंक्शंस ऑल्सो हिज परफॉर्मेंस हैज बीन ब्रिलियंट. वी आर प्राउड ऑफ यू दिव्यांश. You have reached the grand finale of Kisme Kitna Hai Dam, and we wish you all the best. Divyansh, the school is proud of you. सबको नमस्कार. मैं दीपिका, हेडमिस्ट्रेस दिल्ली पब्लिक स्कूल रिवाड़ी. मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि दिव्यांश जो है वो फाइनल राउंड ऑफ किसमें कितना है दम के फाइनल राउंड में पहुंच गया है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर. दिव्यांश आज से ही नहीं, शुरू से ही स्कूल के अंदर सबसे एक्टिव बच्चा रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो या और भी अदर एक्टिविटीज़. मुझे पूरी उम्मीद है वो फाइनल में आने के बाद वो ना सिर्फ हमारे स्कूल का, अपने परिवार का, बल्कि सबका नाम रोशन करेगा. ये उसका पहला स्टेप होगा जो वो अचीव करेगा और बहुत दूर तक उसे आगे जाना है, ये मुझे पूरा विश्वास है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. गुड लक दिव्यांश. इसके जस्ट नहीं 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 इसके बाद खाली स्टैंडर बजाना है. ये स्टैंडर के मिड में आएगा. इसके बाद स्टैंडर बजाना था जन दादा जी नाम दिन से. नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं दिव्यांश कुलगौर का म्यूज़िक ट्रेनर हूँ. दिव्यांश एक बहुत ही एक सेंसिबल और एक ब्रिलियंट बच्चा है जो कि बहुत थोड़े से समय से ही मेरे साथ जुड़ा है और इस थोड़े से समय में ही उसने बहुत सारे अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स दिखाए हैं, इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं. और आज जो उसे मंच मिला है किसमें कितना है दम, जिस पर उसने अपने पहले दोनों राउंड्स को क्लियर किया है, अब जो तीसरा राउंड है आई होप वो भी बहुत अच्छे से उसे क्लियर करेगा. और पहले दो राउंड्स के कंपैरिजन में उसने और ज़्यादा मेहनत की है, तैयारी की है. तो मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ दिव्यांश को कि वो अपने थर्ड राउंड में भी और अच्छे से परफॉर्म करे, अपने आप को प्रूव कर पाए और ज़्यादा मेहनत करे ताकि उसे आगे बढ़ने का ऐसे बार बार मौका मिलता रहे. तो मैं गौर से यही प्रे करता हूँ कि दिव्यांश को एक अच्छा लेवल मिले. उसके पेरेंट्स भी यही प्रे करते हैं, यही विश करते हैं, हम सब यही विश करते हैं. मैं भी यही विश करता हूँ कि दिव्यांश एक बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उसे एक लेवल मिले और डे बाय डे वो अपने आप में इम्प्रोवाइजेशन करता हुआ अपने आप को प्रूव करे और अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाए. जब मम्मी हमारी फेसबुक देख रही थी तब उन्होंने एक पेज देखा KKSD के थ्रू, तो उन्होंने उसके ऊपर कॉन्टेक्ट किया, सब करा, तो हमें पता चला कि वो एक टैलेंटेड शो है जिससे कोई भी काम कर सकते हैं. कोई सिंगिंग करनी हो आपको, एक्टिंग करनी हो या कुछ कंपटीशन हो तो आप उसे कर सकते हो. तो मम्मी ने हमारा भी ट्राई किया तो हमने अपनी वीडियो बना के भेजी. तो अभी हमने सेमीफाइनल क्लियर कर लिया और हम फाइनल में. तो मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनल जीतूँ और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर
है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना चांद तारों से चलना है आगे आसमानों से बढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना बहुत अच्छा बड़ा सिंगर बनो और मेरा सपना बस KKSG के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पूरा हो सकता है थैंक यू KKSG